उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य की जमीनी हकीकत जानने के लिए कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। पहले चरण में समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में यह कार्यक्रम होगा। इस दौरान संगठन पर भी चर्चा की जाएगी। वे मंगलवार को समस्तीपुर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बात कर रहे थे। अपने को कर्पूरी ठाकुर का अनुयायी बताने के साथ उन्होंने कहा कि राज्य और लोगों की हालात की कार्यकर्ताओं से बेहतर जानकारी कोई नहीं दे सकता। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं। उन्होंने कहा, बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, बेतहाशा अपराध और भ्रष्टाचार से लोग तबाह हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लोगों की वास्तविक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति के डाटा के आधार पर विकास की योजना बनाई जाएगी। बिहार की सरकार में नीतीश के साथ थे तो 5 लाख लोगों को नौकरी दिलवाया, आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% कराया, लेकिन संविधान की 9वीं सूची में शामिल नहीं कराने के कारण यह आगे नहीं बढ़ पाया। एक साजिश के तहत इसे कोर्ट से रद्द कराया गया। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे नीचे है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई है, जिससे नई सोच के साथ नया बिहार बनाने की राजद मुहिम शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी के लोग उन पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन अपनी नाकामी पर चुप रहते हैं। बिहार में तेजी से अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पेपर लीक की घटना हो रही है, इस पर जदयू के नेता क्यों नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का परिणाम बताता है कि इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। भाजपा 400 पार का नारा लगा रही थी, लेकिन 240 पर ही सिमट गई। प्रेस वार्ता के बाद प्रतिपक्ष के नेता ने कर्पूरी सभागार में उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। संवाद कार्यक्रम में सारंजन, मोरबा, मोहदीनगर और विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यकर्ता संवाद में राजद की जिला अध्यक्ष रोमा भारती, उजियारपुर लोकसभा अध्यक्ष राजेश्वर प्रसाद, पूर्व मंत्री आलोक मेहता, विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, रणविजय साहू, ललन यादव आदि उपस्थित थे। ये कार्यकर्ता दर्शन संवाद हम लोगों का पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं से होने जा रहा है, और पहला जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं से दर्शन और संवाद का, वो समस्तीपुर की धरती से रखा गया है। कर्पूरी ठाकुर जी हम सब लोगों के नेता रहे, उनके विचार पर हम लोग चलने वाले लोग हैं, और आज उनकी धरती को हम लोग नमन करते हैं। और सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों को संवाद करना है, अपनी बात नहीं बल्कि उनकी बात को हम लोग सुनने आए हैं। हम लोगों की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से मिल कर के जो ज़मीनी हकीकत है, ख़ास तौर पे जो बिहार के लोगों की जो ज़मीनी जो समस्याएं हैं, उसको और अच्छे तरीके से हम लोग जाने पहचाने, ताकि बेहतर आपको जो रिपोर्ट जो मिलता है, बिहार की स्थिति क्या है, बिहार के लोगों की स्थिति क्या है, समस्या क्या है, जो ज़मीन पे जो कार्यकर्ता रहता है उससे बेहतर कोई जानता नहीं है। तो हम लोगों की कोशिश है कि साथ ही साथ सारी समस्याओं को तो सुने ही, लेकिन अपने पार्टी के संगठन को भी हम लोग मजबूत करें। और हमारी व्यक्तिगत इच्छा रही है कि कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट जो है हम उनसे पहचान बनाए, उनसे जुड़ें, ताकि जो भी कार्यकर्ताओं की जो समस्या रही, क्योंकि कार्यकर्ता जो है पार्टी के रीढ़ होते हैं, और कई कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन जो है अपने पार्टी को दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनकी बात को सुने, उनसे जुड़े, उनको सम्मान हम लोग देने का काम करें। साथ ही साथ जिले में जा रहे हैं तो हर एक, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक, जो भी कार्यकर्ता है उनसे हमारा मिलने का कार्यक्रम है। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है पूरे बिहार जो है हम लोग घूमेंगे, और पहला जो चरण है वो समस्तीपुर है, इसके बाद दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, उसके बाद आप लोग जान रहे हैं कि नवरात्र आता है, तो उसके बाद जो है आगे कार्यक्रम जो होगा सेकेंड फेज वो चालू रहेगा। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग समस्तीपुर पहुँचे हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है,
गरीबी है, प्रति आय व्यक्ति जो है वो सबसे कम है, या किसानों की जो आय है वो पूरे देश में वो सबसे कम है। लगभग 94 लाख 94 लाख लोग जो परिवार जो है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जो है पाए गए हैं। और हम लोगों ने जब महागठबंधन सरकार था तो उसमें जाति आधारित गणना के साथ साथ हर एक व्यक्ति की परिवार की क्या स्थिति है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका कितना आय है, किसका नौकरी है कि नहीं है, कौन भूमिहीन है, सारा डेटा हम लोगों के पास आया। और उसी के तहत हम लोगों को योजना भी चलाना था, जिसकी आय कम है, कहीं रोज़गार नहीं है, उन परिवारों को सालाना 2 लाख रुपए का देने की जो योजना भी थी, भूमिहीन को 1 लाख रुपए घर बनाने के लिए 1,20,000, ये सारा योजना हम लोगों का तैयार था। और उसी हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण भी बढ़ाने का काम किया, जो देश भर में सबसे ज़्यादा पिछड़े अति पिछड़े दलित और आदिवासियों का 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% एज इट इज EWS का हम लोगों ने रखा। लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ, जिसका डर था, हम लोग बार बार चिल्लाते रहे अनुसूची 9 में इसको डालो, शेड्यूल 9 में इसको डालना चाहिए, लेकिन भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग आए हैं, पीड़ा भी होती है, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। और नया बिहार बनाने में इन कार्यकर्ताओं का हम लोगों को साथ चाहिए, विश्वास चाहिए, तो मिलकर के हम लोग जो है नया बिहार बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि बिहार के लोगों की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े। पलायन बहुत बड़ा बिहार का इशू रहा है, लगभग जो है आप देखिएगा कि कई करोड़ों लोग जो हैं बिहार से पलायन करते हैं, और ये आंकड़ा जो है भारत सरकार ने ही दिया है। तो इस दिशा में हम लोग जो है उन गरीबों को जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है सर्वे द्वारा, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं आगे, ये सारे विषयों पर हम लोग काम करेंगे। बिहार में सर सर्वे भी शुरू हो गया।